हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व नाम के चैप्टर का आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक हम सब लोगों ने इस चैप्टर 4 में टोटल कितने आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लिए? तो गतिमान आवेश तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था और इस समय हमारा बचा था चुंबकत्व। और चुंबकत्व में हम सब लोगों ने एम्पियर के परिपथीय नियम का आंकिक प्रश्न देख लिया और एम्पियर के परिपथीय नियम का आंकिक प्रश्न देख रहे हैं। बायो सावर्ट के नियम का आंकिक प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के डेरिवेशंस को हम सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज इस पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें हम सब लोग एक पार्ट छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा 28 है, उसको एक ही क्वेश्चन है उसका, और वो हम अलग से पार्ट बनाएंगे, उसी में टोटल का टोटल कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 28। और वो है हमारा कि परिनाली वो हमारा धारावाही लूप और तार, इन दोनों को मिश्रित करके जो हमारा परिपथ बनेगा उस पर आधारित आंकिक प्रश्न जो है वो बहुत टाइप के बन सकते हैं। तो उन सभी को हम टोटल के टोटल कंप्लीट करेंगे एक ही वन शॉट में और उसी में वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही परिनालिका, हमको पता है कि परिनालिका के बाहर बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है और परिनालिका कितना चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, कहाँ पर? परिनालिका के भीतर। कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, एन होता है हमारा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो परिनालिका के 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? तो स्प्रिंग को आप देखे होंगे तो स्प्रिंग परिनालिका जैसा ही होता है। और आई क्या होती है? उसमें प्रवाहित धारा। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तार को कितनी बार घुमाया गया उसकी संख्या है, और ये बराबर होता है एन अपान एल। एन क्या है? परिनालिका, टोटल परिनालिका में जो परिनालिका हमारी है उसमें कुल कितने फेरे हैं, ये एन है, कैपिटल एन, और उस परिनालिका की कितनी लंबाई है, ये एल, इसके बारे में हमने बताया भी था। तो म्यू नॉट एन अपान एल आई, ये भी होता है फार्मूला। परिनालिका के सिरे पर कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र? तो 1/2 म्यू नॉट एन आई। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बस इसका फार्मूला यूज में आना है, ठीक है? तो इसका फार्मूला हमने बता दिया कि सिरों पर कितना होता है, 1/2 म्यू नॉट एन आई, भीतर वाले का आधा होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि कोई परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर तथा त्रिज्या 1 सेमी है में 500 फेरे हैं, इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के नंबर 1 भीतर, नंबर 2 सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो भैया हमें दिया क्या गया है कि एक परिनालिका है और उस परिनालिका की लंबाई दी गई है। लंबाई परिनालिका की एल से लिखा जाता है, कैपिटल एल से, 0.5 मीटर यानी 50 सेमी दी गई है, ठीक है? और इसकी त्रिज्या दी गई है। स्प्रिंग जैसे देखे ना, स्प्रिंग जो होता है वैसे ही होता है, स्प्रिंग की कुछ मोटाई होती है, वो व्यास होता है उसका, तो उसी का त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और आगे हमें दिया गया है इसमें कितने फेरे हैं टोटल, इतनी लंबाई तक 500 बार तार को घुमाया गया, एन फेरे, 500 फेरे हैं एन का मान, और इसमें प्रवाहित धारा आई बराबर दिया गया है 5 एम्पियर। हमको दो चीजें निकालनी, सबसे पहला भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और सेकंड जो है भैया वो सिरे पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परिनालिका के सिरों पर। परिनालिका ऐसे होती है या ऐसे होती है, बनती कैसे है? जब छल्ला ये लेता है, छल्ले को एक के ऊपर एक छल्ला रख करके चले जाते हैं तो वो बन जाती है परिनालिका, और एक के ऊपर एक छल्ला लपेटा जाएगा ऐसे, वो बनता है लूप यानी कुंडली वृत्ताकार। इसका मान भी हमें निकालना है। तो भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के? म्यू नॉट एन अपान एल आई। म्यू नॉट का मान भैया हम लोगों ने पढ़ा है 4π × 10⁻⁷। एन का मान कितना है? 500 है। एल का मान कितना है? 0.5 है।
आई का मान कितना है भैया? 5 एम्पियर है। दशमलव हटाएंगे, यहाँ से बढ़ जाएगा 0, ये 5 से 5 कैंसिल, 5 चौक 20, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितने 0 थे? 1 2 3, 3 0, और ये पाई का मान 3.14 होता है, और गुणे में 10 की घात -7 बी का मान है। तो यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ कितने 0? 1 2 3 4, तो 2 × 10 की घात 4, 4 0 + 7 0 - तो कितने 0 बचेंगे भैया? -3 0 बचेंगे। अब 2 का गुणा इससे कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6.28। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एक और भी होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये इसका आंसर बन जाएगा। सिरों पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो परिनालिका के सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो 1/2 होता है किसके? भीतर वाले के चुंबकीय क्षेत्र का, तो भीतर वाले चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, तो 1/2 भीतर वाले का चुंबकीय क्षेत्र कितना आया भैया? 6.28 × 10 की घात -3। कैंसिल आउट करेंगे तो ये फिर से 3.14 बच जाएगा। तो सिरों पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? 3.14 × 10 की घात -3, ये परिनालिका के सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, सिरे पर क्यों इतना कम हो जाता है? तो इसकी खास बात यह है कि सिरे पर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं, अगर ये धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, हमको पता है परिनालिका एक चुंबक की बात व्यवहार करती है, ये अगर एन है, ये अगर एस है, तो एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र, भीतर भीतर S से N होता है, लेकिन बाहर बाहर क्या होता है, यहाँ से आकर के दूर चली जाएंगी, यानी यहाँ पर तो पास पास होती है, लेकिन सिरों पर क्या हो जाएंगी, ये दूर भागना शुरू हो जाएंगी, ऐसे आती रहेंगी। तो ये भीतर तो बहुत पास पास होती हैं, भीतर तो बहुत पास पास होती है, लेकिन सिरों पर क्या हो जाती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो दूर दूर चली जाती हैं एन और एस के कारण, तो इसीलिए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। ठीक है, 0 मतलब आधा हो जाता है भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए भैया हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक 20 सेमी लंबी तथा पतली परिनालिका में पतले तारों की एक तह वाले 500 फेरे हैं, उसमें 4 × 10 की घात -3 एम्पियर की धारा है, परिनालिका की अक्ष के मध्य में तथा सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो एक परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है भैया, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, आप चाहे जहां पर जाइए, बस सिरों पर जो होता है वहां पर 1/2 μ0 ni होता है, बाकी भीतर आप चाहे जहां पर रहिए, मध्य बिंदु पर चाहे जहां पर रहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं चाहे जहां पर रहिए, μ0 ni ही होता है, बस सिरों पर 1/2 μ0 ni हो जाता है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान रहता है, तो हमें लंबाई दी गई है परिनालिका की कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को भैया हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा होता है, और ये फेरे दिए गए 500, तह लपेटे गए यानी उसे घुमाया गया है, धारा कितनी है? 4 × 10 की घात -3 एम्पियर। तो बी का मान अभी हमने फार्मूला जो लगाया था वही लगाएंगे, μ0 ni होता है तो वही हम लगा देंगे। तो बी बराबर μ0 का मान 4π × 10⁻⁷ होता है, एन का मान कितना, एन का मान ये वाला फार्मूला लगा दे, क्योंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या नहीं दी गई, कुल लंबाई दी गई, कुल फेरे दिए गए, तो एन का मान भैया कितना दिया गया? 500, लंबाई कितनी दी गई है? 20 × 10⁻², और इंटू आई कितना है? 4 × 10⁻³। अब हम करेंगे क्या, 1 0 से यहाँ पर हम 1 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, अब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, 50 का गुणा 2 से कराते हैं भैया, तो कितना हो जाता है? ये 100 हो जाता है, और गुणे में 10 की घात कितना है? -3 है, और ये 2 - का है, ऊपर जाएगा तो 2 + का हो जाएगा घात में। अब ये 50 × 100 हो ही गया, अब आगे कितना बचा है भैया? आगे बचा है 10 की घात -7, और गुणा में 4, पाई का मान 3.14 ये रख देंगे,
बी का मान हो जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ पर अगर हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, चार का गुणा कराएंगे तो चार चौक सोलह के छः, एक बचा चार एक चार एक पाँच और चार तिया बारह, कितने अंक आगे दशमलव थे, दो अंक आगे दशमलव थे, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा में दस की घात माइनस सात है, दस की घात माइनस तीन है और माइनस सात माइनस तीन माइनस का दस हो गए, यहाँ दो प्लस के जीरो हैं, यहाँ दो प्लस के जीरो हैं, तो ये हो गए चार जीरो, तो दस जीरो माइनस के और ये चार जीरो प्लस के, तो बचेंगे कितने जीरो, माइनस के छः जीरो बचेंगे भैया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टेस्ला में आंसर। लेकिन बच्चों हमारे पास जो आंसर है बुक में हमारी दी गई है बालाजी में, जो बुक में आंसर है वो गॉस में दिया गया है, और याद रखे एक टेस्ला जो होता है भैया, एक टेस्ला जो होता है वो 10 की घात 4 गॉस के बराबर होता है। तो एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10 की घात 4 गॉस होते हैं। तो टेस्ला हटाएंगे, यहाँ एक तो लिखा ही है, तो टेस्ला हटाएंगे तो 10 की घात 4 गॉस लिख देंगे, तो 12.56 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात 4। अब ये टेस्ला की बजाय किस में हो जाएगा, गॉस में हो जाएगा, यानी गॉस इंग्लिश में कहते हैं। अब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये अब 6 माइनस के 4 प्लस के माइनस के 2 बचेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 12.56 गुणा 10 की घात माइनस का 2 गॉस। अब माइनस 2 का मतलब दशमलव को आगे ले जाओ भाई, माइनस क्या करता है संख्या को कम करेगा, प्लस क्या करता है संख्या को बड़ा करती है, और माइनस की घात संख्या को छोटी करती है। तो दशमलव जब आगे जाएगा तब मान छोटा होता है, पीछे आएगा तो बड़ा होता है, तो ये माइनस का है तो इसलिए ये मान कम करेगा, तो दशमलव को कहाँ करेंगे, आगे करेंगे, तभी तो मान कम होगा। तो दो माइनस के हैं तो दो अंक आगे जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.1256 गॉस जो है, यही हमारा क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, यही हमारा मान बन जाएगा 0.1256, ये आंसर हो जाएगा। अब सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है फार्मूला, सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है वो आधा हो जाता है, कहाँ पर, भीतर वाले चुंबकीय क्षेत्र के, तो भीतर वो चाहे जहां पर हो, मध्य बिंदु पर हो चाहे मध्य में हो, कहीं पर भी हो, वो उतना ही आंसर आएगा। तो 1/2 भीतर कितना आया था, 0.1256 भाग कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0, भाई एक छोटा है तो 0 बढ़ाएंगे तो अगली संख्या उतारेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, अब कितनी बार जाएगा 2×6 12 और 2×2 4 और 2×8 16, इतने गॉस जो है सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, है ना भैया, ये सिरों पर बन गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान, और यही हमारा बन जाएगा इसका आंसर। तो बस फार्मूले में रख करके चलते रहना आंसर। अच्छा आंसर हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमको आंसर तो दिया नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ बुक है सामने तो इसलिए हमने इतना कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है कि एक लंबी परिनालिका में 20 फेरे प्रति सेमी है, तो प्रति सेंटीमीटर मतलब एक सेंटीमीटर में 20 फेरे दिए गए हैं, उस धारा का मान ज्ञात कीजिए जो परिनालिका के भीतर 2×10⁻²⁻ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। तो फेरों की संख्या परिनालिका में दी गई है, 20 फेरे दिए गए हैं प्रति सेंटीमीटर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फेरों की संख्या को किससे लिखा जाता है, एन से, प्रति का मतलब बटा, सेंटीमीटर क्या बताता है लंबाई के बारे में, बराबर कितना आ गया 20 फेरे, ये डायरेक्ट मान एन बटा एल का दे दिया गया है प्रति सेमी में। लेकिन भैया याद रखिए ये
एमकेएस पद्धति का मात्रक नहीं, सीजीएस पद्धति का मात्रक सेंटीमीटर होता है। तो हम सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलने जाएंगे तो 20 सेंटीमीटर कहाँ पर है, नीचे है, सेंटीमीटर को हम किस में परिवर्तित करेंगे, मीटर में। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो ये हमारा भैया मान हो गया 20/10^-2 फेरे प्रति मीटर। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा भैया, 20/10^ कितना हो गया, -2 ऊपर चला जाएगा, +2 फेरे, क्या हो गए अब ये प्रति मीटर बन में बन गया। अभी तक सेंटीमीटर में था, अब क्या बन गया, मीटर, एन अपान एल का मान मिल गया हमारा। अब बी बराबर हमने फार्मूला पढ़ा, परिनालिका के भीतर μ0 इंटू एन अपान एल आई, तो आई बराबर यहां से निकालेंगे भैया तो एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बी गुड़ा एल, रुकिए रहने दीजिए क्योंकि मान एन अपान एल डायरेक्ट दिया गया है। तुलना भी करा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर फेरे हैं, नीचे क्या दिया गया, बटे का चिन्ह, सेमी यानी 1 सेमी, कुछ नहीं तो 1 सेमी है, तो 1 सेमी लंबाई दी गई है और n का मान कितना है, 20 फेरे, तो 1 सेंटीमीटर में 20 फेरे हैं। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो सेम वही रूल लगने वाला है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं 4π × 10⁻⁷, ये होता ही है। एन अपान एल का मान कितना आया है, 20/10^-2 और इंटू में कितना है भैया, आई है, और बी का मान कितना हमारे पास है, 2/10^-2, तो 2 दहम में कितना होता है, 20 होता है, यानी कि 10 बचा तो 10^1 यहाँ है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो ये नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा टोटल मान, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आई, तो आई को रोकेंगे, ये इधर बराबर में क्या बचा, 10^-2 और ये टोटल मान नीचे आएगा, तो 4π भी नीचे आएगा, 10⁻⁷ भी नीचे आएगा, 10^1 और यहाँ पर 2 कितने हो गए, 3 हो गए। अब हल करेंगे तो 10^-2 यहाँ पर हल करेंगे तो 7 − 3 + बचेगा −4, −4 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 4π का मान क्या होता है, 22/7 यहाँ भैया हम रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो भाग वैसे भी कराना, 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, आई बराबर 7/10^ कितना बचा, 2 घट जाएगा 4 में से तो 2 बचेगा, 2 = 100, 10^2 = 100, नीचे क्या है, 4×22, अब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 × 100 होता है, और 25 × 7 = 175 होता है, और बटे में कितना होता है, 22, तो अगर इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 25 × 8 = 176 होता है, 22 × 8 = 176 होता है, 22 × 8 = 176 होता है, लेकिन है 175, तो ये धारा जो है आएगी कितनी, आई बराबर 7.95 करके कुछ आएगा, ठीक है, 7.95 करके कुछ आएगा जब भाग कराएंगे 22 से, और इसको हम लगभग लगभग क्या लिख देते हैं, आई बराबर 8 एम्पियर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, लगभग में लिख सकते हैं, वैसे भी भाग कराएंगे तो लगभग 8 एम्पियर की धारा होगी, तब इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये भैया इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि यदि 50 सेमी लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 4.0×10⁻²⁰ न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, जबकि उसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो बताइए कि इसमें फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जबकि पाई बराबर 3.14। तो हमसे जहाँ तक हो पाएगा हम जो है जो क्वेश्चंस हैं इनके वो डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी मेहनत पड़ती है कि हर एक क्वेश्चंस को लिखना पड़ता है या फिर ऐप से आप जो है कॉपी करते हैं, बहुत मेहनत पड़ती है, तो
कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन पर हमने क्वेश्चंस को दे भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन पर दे दिए जाएं। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चंस को नहीं डाला है, तो उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम डिस्क्रिप्शन पर नीचे दे देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भीतर भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है, कितना होता है ये फार्मूला? म्यू नॉट एन अपान एल आई। वैल्यू रखेंगे बी का मान 4×10^-2 है भैया, म्यू नॉट का मान 4×10^-7 एन का मान भैया हमको निकालना है, और एल का मान 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10^-2 से गुणा कराते हैं, तो 50×10^-2 गुणा में कितना आई? आई का मान हमारे पास कितना दिया गया भैया? 8 दिया गया है। तो यहाँ से 4 से ये 4 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस 50 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50, यहाँ एक बचा ना, 50×50×10^, ये माइनस दो, ये माइनस दो, माइनस का हो जाएगा 4, गुड़े में घाते हैं जुड़ती हैं, बराबर में ये कितना आया हमारे पास? पाई दिया गया है, और गुणा में 10^-7 है, और गुणा में कितना है? एन है, और ये 8 है, 8 को पाई के साथ लिख देंगे, बटे में एक लिख करके इस सभी को ले जाएंगे, एन को रोकेंगे क्योंकि एन का मान भैया हमको निकालना है। तो 50×10^-4 बटे में क्या आ जाएगा? 8, पाई का मान बताया गया 3.14 रखना है, गुणे में 10^-7। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर देखिए हम कितने दशमलव है हमारे पास। अगर हम पाई का मान 3.14 ना रख के 22/7 रखेंगे तो और भी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम 3.14 ना रख करके 22/7 ही रखते हैं। 7 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो 7 का गुणा 5 से कराएंगे तो 100×25 35, यानी 350, और ये 7 माइनस का है 10^, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 और माइनस का 4 पहले से ही था भैया ऊपर, और नीचे कितना हो गया हमारे पास? 8×22। इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आसान पहले से ही कर ले, यहाँ पर इकट्ठा काटने से कोई मतलब नहीं। ये 25 किए दे रहे हैं और ये कितना बचा हमारे पास? 4 बचेगा। अब 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 का गुणा 25 से, तो 25×7 175 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास भैया? 4 बचा। 7 प्लस का 4 माइनस का, तो बचेगा कितना? 3 बचेगी, और इधर कितना है? 175 के बटे में कितना है? 22×88। तो इसको अगर हम भाग कराएंगे भैया, 175 भीतर है और 88 जो है वो बाहर है, तो लगभग लगभग ये कितनी बार जाएगा? दो बार चला जाना चाहिए था, लेकिन एक बार अब ले जाइए, तो 88×88 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 87 बचेगा। 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ पर 16 में से 8 गया 8 बचा, दशमलव लगाएंगे क्या बढ़ जाएगा? 0, 870 हो गया। तो अब ये कितना? 880 है, 870 है, तो 9 बार जाएगा, तो 9×8=72, 7 बचा, 9×8=72 और 7 कितना हो गया? 80। अब घटाएंगे तो ये 68 बचेगा भाई, 70 में से 2 घटाएंगे 68 बचेगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा ही सकते हैं। तो अब कितनी बार ये जाएगा? तो 8×28=64 होता है, देखते हैं 8 बार चला जाएगा तो चला जाएगा। 8×28=64 के 4 कितना बचा? 8, 8×28=64 और 8×72 ज़्यादा हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर कितना लिख रहे हैं हम? 7 लिख रहे हैं, तो 7 का गुणा 8 से कराएंगे तो 57×56 5 बचा, 57×56 और 5 61।
घटाएंगे तो ये बचा चार, भैया यहाँ पर सात में से एक गया तो छः, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, अब फिर से कितनी बार ये जाएगा, सात बार ही जाने वाला है, तो ये कितना आया, 1.977 × 10³। तो 10³ की वजह से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, दशमलव के बाद तीन अंक ही हैं, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 1977 फेरे आ जाएंगे। और आंसर में कितना दिया गया है, शायद हमारे आंसर में आ रहा है कि 1990 आ रहा है, 1990 आ रहा है, क्यों आ रहा है, इन्होंने पाई का मान 3.14 रखा। चलिए हम पाई का मान 3.14 रख करके भी देख लेते हैं, देखते हैं ये कितना देता है आंसर। तो ये बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, n बराबर 50 × 10⁻¹⁴ के बटे में 8π × 10⁻¹⁷। अब यहाँ पर 8 को काटेंगे तो ये 25 बचा और ये कितना बचा, 4। 4π का मतलब भैया जानते हैं आप लोग, 4π का मतलब होता है 4 × π का मान 3.14। तो इसका गुणा 4 से कराएंगे तो 14 × 56, 4 × 3 = 12, अभी हमने कराया था 12.56 आया था, तो 4π का मान होता है 12.56। माइनस सात ऊपर जाएगा, प्लस का सात हो जाएगा, और प्लस का सात माइनस का चार, कितना बचेगा, तीन बचेगा। अब हम क्या कराएंगे, इसका भाग कराएंगे, तो ये दशमलव हटाएंगे, क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर भैया, जीरो बढ़ जाएगा, तो हम इसको काट सकते हैं कितने से, चार से तो काट ही सकते हैं, ठीक है, तो चार से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 × 3 = 12 और ये 14 × 56, 4 × 1 = 4, 4 × 16, ये 4 से काटेंगे तो 4 × 6 = 24, 1 बचा, 4 × 2 = 8, 2 बचा, 4 × 5 = 20। अब 625 को भीतर लिखना है, 314 को बाहर, तो ये एक बार ही जाएगा, क्योंकि 314 × 628 होता है और ये 625 है, तो घट ये 314 ही आएगा, घटाएंगे तो 1 बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 3 बचा, है ना भैया। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, कितनी बार जाना है, 9 बार तो जाना ही जाना है, 9 बार, तो 9 × 6 = 36 के 6 × 3 = 3 बचा, 9 × 1 = 9 = 3 = 12, 1 बचा, 9 × 3 = 27 और 1 = 28। अब कितना घटाएंगे तो 4 बचा, यहाँ पर जीरो है, इससे उधार लेंगे तो यहाँ हो गया 10, 10 से 2 गया, 8 बचा, अब यहाँ पर जीरो हो गया, यानी 30 से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा ही है, जीरो बढ़ा लेंगे तो ये 2826 आया था, ये कितना आया, 2840, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो फिर से ये कितना हो जाएगा, 2826, अब घटाएंगे तो ये कितना बचा, 4, यहाँ पर 3 में से ये 14, 14 दशमलव लगा है तो क्या बढ़ा देंगे, 0, अभी भी छोटा है तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, दशमलव लगा है, 0 140 ही है, 314 भाग हो नहीं पाएगा, 1 0 वहाँ, 1 0 यहाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा n का मान आया है 1.990 × 10³, यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 0 की वजह से दशमलव, ये 3 अंक कैंसिल हो जाएगा, 3 अंक पीछे चला जाएगा, तो n बराबर 1990 यहाँ से आंसर आ रहा है बुक का। तो आंसर दोनों सही है, लगभग सेम आंसर आपकी बुक का जब ये वैल्यू रख दी गई है ये रखने पर ही आने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर 4 का पार्ट 13 जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।